चुनावी माहौल में हम बिहार पे इस वक्त फोकस करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं बिहार को लेकर कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच पेंच फंस चुका है। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर भी दावा कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि बेगूसराय से लेफ्ट तो कटिहार से आरजेडी का दावा है। अब ये दोनों सीटें दरअसल ऐसी है जिसके हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं कन्हैया और तारिक अनवर वो फिट बैठते हैं। बेगूसराय वो जगह जहां पे हमेशा से लेनिनग्राद कहा जाता है उसको, और वहां लेफ्ट का दबदबा रहा है, तो इस हिसाब से कन्हैया को मुफीद कांग्रेस पार्टी मान रही है। और तारिक अनवर सीमांचल से अगर उतरते हैं तो उनका अपना समीकरण होगा। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ चुका है। उसमें उन्होंने समय आने पर महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में जानकारी देने की बात कही है। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री और हम के संतोष कुमार सुमन ने कहा कि एनडीए के सीट बंटवारे पर फैसला भी जल्द हो जाएगा। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। आप लोगों को कितनी बुला के बता दिया जाएगा। आप लोगों को कितनी सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया के सब लोग? इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा, कोई सवाल नहीं है। सीट शेयरिंग सहित समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है, और हम लोग सब मिल करके एक साथ जॉइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। इस बीच उत्तराखंड की भी बात करेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, और फिलहाल इन्होंने पाला बदल लिया है। और अब उन्होंने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और झटके के तौर पर आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने विधायकों अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। और बीजेपी हर उस सीट पर मंथन कर रही है जहां से उसको लगता है कि अगर जिताऊ कैंडिडेट दूसरी पार्टी में है तो वहां भी वो बातचीत कर रही है। एक बार फिर हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी वही हाल है, इंडिया गठबंधन में तमाम गांठें नजर आती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की डगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए थोड़ी मुश्किल नजर आती है। बिहार में